नहीं एडमिट नहीं करते हैं। इंजेक्शन असि मैं तानू इंजेक्शन हाँ कोई गल नहीं उन्होंने तो प्रूफ कर दो असि तो उन्होंने कह रहे हैं। सवेरे 3 बजे तो दर्द नाल तड़प रहे दो मासूम बच्चे जिन्हां चों एक दी उम्र 3 साल अते दूसरे दी 7 साल सी। मां 3 बजे तो डॉक्टर दा इंतजार करती रही कि वह सवेरे आके मेरे बच्चियां दी जान बचा लेगा, पर 3 साल दी मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिता है, वह भी डॉक्टर दा टीका लगन तो बाद। यह दोष परिवारिक मैंबरां दे वल्लों लगाया गया। यह मामला लुधियाणा के हैबोवाल थाने अधीन पैंदे इलाका प्रीतम नगर तो सामने आया, जिथे एक प्राइवेट क्लीनिक के बाहर लोगों ने जम के हंगामा किया। डॉक्टर के उपर गलत टीका ला के बच्चे की जान लैण के दोष लगे ने। दस दिए कि एक माँ अपने दो बच्चों दोहां ने इको जिही बीमारी सी, एक की उम्र 3 साल अते दूसरे की 7 साल सी। दोहां नूं डॉक्टरां दे वल्लों टीके लगा दिते अते एक मासूम 3 साल की बच्ची नूं मापियां दा कहना है कि दो टीके लगा दिते सन, जिस करके उस बच्ची ने दम तोड़ दिता, जदों कि दूसरा बच्चा भी जिंदगी दे लई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। दूसरे पासे डॉक्टर दा कहना सी कि असी कोई गलत टीका नहीं लवाया, भावें कोई भी जांच पड़ताल कर ली जावे। दस दिए कि सारे मामले दे लई पुलिस मौके ते पहुँच चुकी है अते मामले की जांच पड़ताल जारी है। डॉक्टर अमिता सर, सर कहना है इदां कि 8:30 दे करीब डॉक्टर साहब नूं कॉल आया सीगा फोन ते कि हाँ भी दो बच्चे हैं नैना तो युवराज, उन्हों की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हैगी है, रात के 3 बजे नहीं उन्होंने लूज मोशन तो वॉमिटिंग लगे हुए हैं, ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि 9 बजे क्लीनिक ओपन हो जाएगी, तुम आ जाइए फिर असं देख लवेंगे की कंडीशन है बच्चों की। और मेरे को 10 बजे बच्चों को लैके आए हैं, बच्चों की उस टाइम कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सी। मैं उन्होंने कहा कि इन्हों पानी की कमी हैगी बच्चों, कि बच्चों ने की खाधा है कि हाँ भी मतलब इन्हों की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने दाल चावल खाते हैं, बट मैं कहा कि दाल चावल नाल इदा दी कंडीशन नहीं हो सकती। कुछ होर बच्चों ने कुछ उल्टा सीधा खाता, उन्होंने दसिया कि पॉपकॉर्न खाते सीगे, उस तो बाद उन्होंने पानी पी लिया, उस तो बाद ही 3 बजे की इन्हें दोनों की तबीयत खराब हैगी है। 10 बजे मैं अपने एक डॉक्टर होने के नाते जो मेरा फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हैगा उल्टी रोकने लिए आप इंजैक्शन देने हैं एमसर का इंजैक्शन, मैं दोनों बच्चों उन्हों की कंडीशन के हिसाब नाल इंजैक्शन देता। उस तो बाद बच्चे मेरे को इतों की बिल्कुल ठीक ठाक गए ने, बट कंडीशन उन्होंने दोनों की क्रिटिकल सी। मैं उन्होंने इन्ना दसता सीगा कि इन्हों हॉस्पिटल लैके जाने की नौबत आ सकती है, जे बच्चे बिल्कुल ठीक ना हो या इन्हों की ज़्यादा कंडीशन खराब होगी तुम नाल दी नाल तुरंत इन्हों हॉस्पिटल लै जाइए। हाँ जी बिगड़ी फिर नहीं नहीं जी इदा की कोई गल नहीं हैगी। बच्चों जब लूज मोशन वॉमिटिंग हाथ से 3 बजे के लगे हुए हैं, असं कि कह देंगे कि तुम होर वेट करो, तुम आप भी हो। नहीं मैं लगाया इंजेक्शन, हाँ जी असी बच्चों एडमिट नहीं करते। मेरी गल सुनो, जे उन्होंने पेरेंट्स को विश्वास सीगा तदे वो रात दे वेट करते पे सीगे, जब उन्होंने बच्चों की कंडीशन इन्नी खराब सीगी वो मेनू प्रॉपर फोन करके उन्होंने मैनू यह क्यों कहा कि तुसी क्लीनिक ते आओ असी बच्चों को दिखाना है, उन्होंने रात में ही क्यों नहीं हॉस्पिटल लैके गए। मैम एज एन डॉक्टर जो थानू लगे कि क्रिटिकल है मामला, हाँ जी रेफर क्यों नहीं किया। मैं उसी टाइम मैं जो इंजेक्शन लगाया मैं उन्होंने नाल दी नाल कहता कि तुहाडे बच्चियां दी कंडीशन, बेटे दी कंडीशन खराब नहीं सी, गुड़िया दी खराब सी, क्योंकि बेटे नूं कोई लूज मोशन नहीं सी, गुड़िया नूं लूज मोशन ते वोमिटिंग दोनों सीगे। मैं उन्होंने इन्नी गल साफ कहती सी कि बच्चे नूं दाखिल कराउण दी जरूरत हैगी, उहदे च पानी घट होया पिया हैगा, ठीक है। उन्होंने कहा कोई गल नहीं कि असीं देख लैंदे आ। उस तो बाद मेरे कोल पूरे प्रॉपर 1 घंटे बाद आए ने, बट उन्हों का कहना यह मतलब है कि मैं जिदा ही इंजेक्शन लगाया उदा ही नाल ही बच्चा खत्म हो गया, बट साडे कोल पूरी प्रॉपर रिकॉर्डिंग हैगी है। 10:15 बच्चे मेरे को क्लीनिक तो बिल्कुल ठीक ठाक गए हैं, बच्चा अपना सिर भी चुक रहा सीगा, बच्चा गल भी कर रहा सीगा। उन्हें मैनू प्रॉपर किया कि आंटी मेरे पेट में दर्द हो रही है, तो मैं उन्होंने ये कहा कि हाले कुछ नहीं देना, कोई दवाई नहीं देनी हैगी क्योंकि इंजेक्शन लग्या होया, 10-15 मिनट रुक के तुसी नू पेट दर्द की दवाई दे दिओ। कोई क्रिटिकल कंडीशन दे विच पेशेंट तुहाडे कोल आंदा कि तुहाडे कोल कोई फैसिलिटी है उन्नू संभाल सकन दी? सर साडे कोल फैसिलिटी नहीं हैगी, असीं पेशेंट नू नाल दी नाल एडवाइस कर दिंदे आ। रेफर क्यों नहीं कीता नाल दी नाल? असीं कहता उन्हां नू सर, बट मैं हुण पेशेंट दे नाल नाल थोड़ी जावांगी उहदे घर कि उह घर लैके जा रहे कि हॉस्पिटल लैके जा रहे आ। तुहाडे कहण दे मुताबिक बच्चा गल कर रहे थे? हां जी हां जी बिल्कुल सर। यकदम बच्चे नू की होएगी, मतलब डेथ होगी बच्चे? बट सर उहदे च पानी दी कमी है ना, उन्हू स्टोमिक इन्फेक्शन है, इनू आप गैस्ट्रोएंट्राइटिस की कंडीशन बोलते हैं AGE। हाँ जी कि इंजेक्शन लगाने तो बाद थोड़ी होया, 3 बजे की रात की कंडीशन खराब है। नहीं सर तबीयत ज्यादा खराब सी, बच्चा गल किवें कर रही तुहाडा? बच्चा गल नहीं करता पिया सीगा, बच्चे ने अपनी मम्मी नूं इह कहा, बच्चे ने अपनी मम्मी नूं इह कहा कि मेरे पेट च दर्द हो रही है। हाँ आंटी क्या उन्होंने मैं, ठीक है कि हाँ दीदी गुड़िया ये पेट च दर्द हो रही है,
मेरी गल सुनो, जो लूज मोशन वॉमिटिंग लगते हैं क्रिटिकल कंडीशन का मतलब यह होंगे कि पाचे च पानी की कमी होगी है, ठीक है, उन्होंने तुरंत ग्लूकोज की जरूरत होंगी है। बट असी बच्चों को क्लीनिक से ग्लूकोज नहीं लगाते, उन्होंने रैफर करते हॉस्पिटल। किस तरीके का एलीगेशन लगे? जब मेरे को बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक मेरी क्लीनिक तो निकल के गया, जे मेरे रात कि बाहर जाता, उस तो बाद घंटे बाद ऐदा नहीं होता। ओ सर तुसी मीडिया हो, ठीक है ना, वो जो भी चीज़ हैगी इंजैक्शन का की असर हैगा वो तो डॉक्टर दसनगे ना। तुसी ने ना कह सकते कि बच्चे की कंडीशन इंजैक्शन ला के खराब हुई है। इंजैक्शन असी मैं तुहानू इंजैक्शन, हाँ कोई गल नहीं, उन्होंने तो प्रूफ कर दो, असी तो उन्होंने कह रहे बच्चे का इंजैक्शन एम सैट हर डॉक्टर की क्लीनिक से हर हॉस्पिटल से जो बच्चे वॉमिटिंग लगती है यही इंजैक्शन लगता। मैं फिर तुम्हें झूठ क्यों बोला कि मैं इंजैक्शन एम सैट लाया? मैं क्यों नाम दस रही हूँ? मेरी BMSC डिग्री है और डॉक्टर साहब दी दोनों दी सेम डिग्री है। सेम डिग्री, हाँ जी। तो मैम ये बार तुसी बोर्ड ते भी लिखवाया नहीं हुआ? हाँ जी हाँ जी, लिखा हुआ सर। क्यों नहीं लिखा हुआ? बोर्ड ते बार साडा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ। मैनू एक साल नहीं होया, मैनू 12 साल हो गए सर क्लीनिक करदे नूं इत्थे। नहीं एडमिट नहीं करते जिहड़े पेशेंट्स जिदा नॉर्मल जिन्हां नूं टाइफाइड हो गया या जिन्हां दे प्लेटलेट्स वगैरह काउंट घट हुंदे आ या कई वीकनेस दे नाल भी आंदे आ बच्चे। पेरेंट्स जिहड़े वड्डे लोग आ जिन्हां नूं कई वारी कमजोरी हुंदी उहनां नूं आपां ग्लूकोस लगाउंदे आ। ठीक है। बच्चे का रान सुबह कितने लेके आए थे? 9:30 बजे। क्या बात है। बस लेटिंग उल्टी आ रही थी, दो बच्चे थे, एक भाई इसका 7 साल का था, तो दोनों को पता नहीं क्या ऐसा हुआ, एक को 2 टीका, एक को 1 टीका लगा। लेकिन जाते थे टीके की वजह से कुछ हुआ, इसको 2 टीका लगा है, जाते जाते घर हो गया। टीका लगाने ही कर दे। हाँ टीके करते, और लड़का जो इतना सीरियस में है उसको TMC में लेके भगे, 2 डॉक्टर के यहाँ फेल हो चुका, 2 हॉस्पिटल में। कुंडा जो भर्ती है, एक लड़का भर्ती है। हाँ लड़का भर्ती है TMC में। डॉक्टर की ने लगी है? डॉक्टर ने ही टीका लगाया था दोनों को। प्रशासन से क्या मांग करते हो? बस डॉक्टर की गलती है तो उसको सजा दीजिए ताकि दूसरे बच्चों के साथ ऐसा हादसा ना हो जाए। डिग्री है डॉक्टर के पास? अभी ये हमें नहीं। ठीक है। क्या नाम है आपका? रानी। बच्चे का नाम? नैना, 3 साल। क्या हुआ था बच्चे? उल्टी टट्टी आई थी। सुबह कितने लेके आए आप? 9:30 बजे। क्या बात हुई? मैडम को दिखाई, वो देखी कही ठीक है, वो टीका लगा देते हैं आराम हो जाएगा। टीका लगाए, दोनों दो बच्चे थे, दोनों का सेम हाल था, एक को 1 लगा, इसको 2 लगा। वो उस घर जाते जाते उसकी भी सीरियस हो गई है, तो दम ही तोड़ दी। क्या मांग रही हो? हमारे दूसरे बच्चे को बचाओ। डॉक्टर के पास का नहीं था, हमको सुबह बता दिया होते सीरियस ले जाओ कहीं और, तो मैं लेके चली जाती कहीं और। लुधियाना तो प्रदीप भंडारी की रिपोर्ट।